गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं अमित भारद्वाज आप सभी का स्टूटर्स एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स का एक पार्ट दोस्तों और अपनी बॉडी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन बात करेंगे आज की क्लास में दोस्तों स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का दोस्तों न्यूट्रिएंट्स है एक प्रकार का ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो मानव को दोस्तों एनर्जी प्रोवाइड कराता है अगर अपन एनर्जी की बात करें ऊर्जा की अपन बात करें तो मानव के शरीर को प्रतिदिन सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला एक प्रकार का पोषक पदार्थ जो होता है वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है मानव के शरीर को प्रतिदिन सर्वाधिक ऊर्जा दोस्तों बात करें सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जो कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दोस्तों दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड होता होता है इन होता, है इनऑर्गेनिक नहीं और प्रतिदिन सबसे ज्यादा ऊर्जा देता कितनी 60 से 70 प्रतिदिन आपको क्या देगा ऊर्जा देगा दोस्तों यानी कि एग्जाम में प्रश्न आए कि प्रतिदिन सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है तो प्रतिदिन सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से कई बार ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होती है सॉरी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है दोस्तों तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो वसा के अंदर होती है कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके के पदार्थों से मिलकर बना होता है कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और तीनों का जो रेशो होता है दोस्तों वो होता है एक अनुपात दो अनुपात एक ठीक है दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है जहां तीनों का रेशो होता है एक अनुपात दो अनुपात एक जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अपन ले लेते हैं दोस्तों ग्लूकोज ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है और फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ ग्यारह दोस्तों ठीक है तो रेशो हो गया यहाँ पर तीनों का एक अनुपात दो अनुपात एक ठीक है कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है और जिनका रेशो एक अनुपात दो अनुपात एक है वो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स होगा दोस्तों प्रतिदिन या कार्बोहाइड्रेट्स के एक ग्राम अणु की अपन बात करें तो एक ग्राम अणु से ऊर्जा मिलती है चार पॉइंट दो किलो कैलोरी ऊर्जा दोस्तों ठीक है इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों प्रतिदिन मानव को कितना कार्बोहाइड्रेट के सेवन करना चाहिए तो प्रतिदिन मानव को लगभग कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ग्राम 300, ,300 ग्राम 350 ग्राम का सेवन प्रतिदिन करना अनिवार्य है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के अपन पाचन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों मुख के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का uh पाचन होगा मुख के अंदर मुख के अंदर भी कहां पर लार और लार के अंदर होता है दोस्तों सेलिवा एंजाइम लार के अंदर होता है सेलिवा एंजाइम सेलिवा एंजाइम का एक नाम और आता है दोस्तों क्या <स्य> सेलिवा एंजाइम का दूसरा नाम होता है टाइलिन एंजाइम जीवाणु का भक्षण करता है लाइसोजाइम एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो जीवाणु का भक्षण करता है वो भी लार के अंदर होता है दोस्तों ठीक है और लार के अंदर सेलिवा एंजाइम ये पाचन करेगा दोस्तों किसका कार्बोहाइड्रेट का और कैसा पाचन दोस्तों आंशिक पाचन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहां पर होता है तो मुख के अंदर लार और लार के अंदर सेलिवा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है जबकि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है दोस्तों कहां पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत के अंदर और छोटी आंत के अंदर कौन सा एंजाइम करेगा तो छोटी आंत के अंदर करेगा एमाइलेज एंजाइम एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है पूर्णतः पाचन करता है जबकि आंशिक पाचन करेगा दोस्तों टाइलिन या सेलाइवा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का जो मापन किया जाता, जाता है दोस्तों वो मापन किया जाता है सेकेराइट के आधार पर सेकेराइट इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का मापन किया जाता है दोस्तों ठीक है और जब सेकेराइट के इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का मापन किया जाता है तो टोटल तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं दोस्तों सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है दोस्तों मोनोसेकेराइट कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइट केराइट के बाद आता है दोस्तों सेकेंड नंबर पर दाई सेकराइट, दाई सेकराइट और डाई के बाद आता है दोस्तों थर्ड नंबर पर कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइट मोनो के बाद डाई और डाई के बाद थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों पोलीसेकेराइट ये सेक्राइट इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप हो गए सबसे पहले अपन बात करें मोनोसेकेराइट कार्बोहाइड्रेट्स की तो मोनोसेकराइट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के मोनोबी तीन प्रकार के डाई तीन प्रकार के और कार्बोहाइड्रेट होते हैं टोटल चार प्रकार के मोनोसेक्राइट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों ग्लूकोज ग्लूकोज की अपन बात करें तो ग्लूकोज दोस्तों एक प्रकार का ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्यक्ति को तुरंत एनर्जी देता है अगर आपको जल्दी ऊर्जा चाहिए तो आपको खाना पड़ेगा दोस्तों क्या ग्लूकोज का सेवन करना पड़ेगा दोस्तों ग्लूकोज एक प्रकार का ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आपको क्या देता है फास्टेस्ट एनर्जी देता है दोस्तों तो फास्टेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर हो गया दोस्तों ग्लूकोज साथ में दोस्तों ग्लूकोज को बोला जाता है ब्लड शुगर या सिंपल शुगर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ब्लड शुगर या सिंपल शुगर किसे कहा जाता है तो ब्लड शुगर या सिंपल शुगर बोला जाता है दोस्तों किसे ग्लूकोज को कहा जाता है दोस्तों ठीक है ग्लूकोज के बाद सेकेंड नंबर पर आता है दोस्तों फ्रक्टोज ग्लूकोज के बाद सेकेंड नंबर पर आ जाता है फ्रेंड्स फ्रक्टोज फ्रक्टोज की अपन बात करें तो फ्रक्टोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कैसा रहता है सबसे मीठा होता है तो एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों फ्रक्टोज और फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है फ्रक्टोज पाया जाता है दोस्तों शहद में। शहद में, के अंदर उपस्थित होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को बोला जाता है फ्रूट शुगर ठीक है फ्रूट के अंदर पाई जाने वाली शर्करा या फ्रूट के अंदर पाई जाने वाली चीनी कौन सी होती है फ्रक्टोज होती है दोस्तों याद रखिएगा फ्रक्टोज के बाद थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों ग्लैक्टोज ग्लेक्टोज ठीक है ग्लेक्टोज की अपन बात करें दोस्तों तो ग्लेक्टोज को बोला जाता है दोस्तों क्या ग्लेक्टोज को ग्रेन शुगर भी कहा जाता है ग्रेन शुगर अन्न के अंदर पाई जाने वाली सॉरी ब्रेन शुगर ग्लैक्टोज को बोला जाता है ब्रेन शुगर मस्तिष्क शर्करा मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली शर्करा कौन सी तो आप बताओगे ग्लैक्टोज होता है दोस्तों ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज ये तीनों होते हैं दोस्तों मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के बाद आता है दोस्तों डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड भी टोटल तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहले आता है दोस्तों मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड में तीन कार्बोहाइड्रेट हो गए इसके बाद आया डाई डाई जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऐसा कार्बोहाइट्रेट होता है जो दो मोनोसेक्राइट कार्बोहाइट्रेट से मिलकर बना हुआ होता है जैसे आपने दो मोनोसेक्राइट कार्बोहाइट्रेट को क्या कर दिया मिला दिया मोनो और मोनोसेकरोसैक्राइट इनको अगर आप मिला दोगे तो बनने वाला जो कार्बोहाइट्रेट होगा वो कौन सा कहलाएगा डाईसेकर कहलाएगा मोनोसेकर कौन कौन से ग्लूकोज फ्रक्टोज और कौन से ग्लेक्टोज इनमें से किन्नी भी दो को मिला दिया तो बन बनेगा डाइसैकेराइड फर्स्ट नंबर पे आया आपने क्या मिला दिया आपने ग्लूकोज के साथ मिला दिया किसको ग्लूकोज के साथ आपने मिला दिया दोस्तों फ्रक्टोज को मिला दिया जब आप ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज को मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका बनेगा सुक्रोज बनेगा ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज को मिलाया तो बना सुक्रोज सेकंड नंबर पे आपने ग्लूकोज के साथ क्या मिला दिया गुलकोच के साथ आपने मिला दिया दोस्तों गुलकोच को ही मिला दिया जब आप गुलकोच के साथ गुलकोच को मिलाओगे तो क्या बनेगा तो आपका बनेगा दोस्तों क्या माल्टोज बनेगा ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज मिलाने पर बना माल्टोज इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों ग्लूकोज के साथ आप मिला दोगे किसे ग्लूकोज के साथ आप मिला दोगे ग्लैक्टोज को मिला दोगे तो क्या बनेगा ग्लैक्टोज को जब आप मिलाओगे तो बनेगा आपका क्या लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट ये सारे हो गए दोस्तों कौन से कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइट कार्बोहाइड्रेट जब दो मोनोसेकेराइट को मिलाया तो क्या बना आपके पास आपके पास बना दोस्तों डाई सेकेराइट

माल्टोज की अपन बात करें तो माल्टोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे कहा कहा जाता जाता है है दोस्तों कौन सी शरक्रा? इसे कहा जाता है, ग्रेन शुगर अन्न के अंदर पाई जाने वाली शर्करा किस रूप में होती है तो आप बताओगे अन्न के अंदर पाई जाने वाली शर्करा माल्टोज के रूप में होती है जितने भी प्रकार के अन्न होते हैं गेहूं जो ज्वार बाजरा मक्का तो गेहूं जो ज्वार बाजरा मक्का के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है माल्टोज कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा लेक्टोज की अपन बात करें तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है मिल्क शुगर दुग्ध शर्करा दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दूध के अंदर जो मिठास होती है वो किस कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है तो आप बताओगे लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है दोस्तों दूध या दूध से निर्मित पदार्थों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज माल्टोज ग्रैन शुगर यानी अन्न के अंदर सुक्रोज गुड़ और साधारण चीनी में ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लेक्टोज हो चुका है दोस्तों मोनोसेकर डाई के अंदर आ चुके हैं सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा बंद पाया जाता है दोस्तों तो बंद की अपन बात करें, तो बंद। बंद होता है जो पाया जाता है दो मोनोसेकेराइट के अंदर दो मोनोसेक्राइट अणुओं के मध्य पाया जाने वाला जो बंद होता है वो कौन सा बंद होता है ग्लाइकोसिडिक बंद पाया जाता है इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड नंबर पर पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों जो दो से ज्यादा अणुओं से मिलकर क्या होता है बना हुआ होता है और इसके अंदर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं तो पॉलीसेकेराइड के अंदर सबसे पहले आता है दोस्तों स्टार्च स्टार्च के बाद आता है दोस्तों बी नंबर पर आता है दोस्तों ग्लाइकोजन uh, स्टार्च ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के बाद आता है दोस्तों सेलुलोज़, ठीक है स और सेलुलोज के बाद आता है दोस्तों डी नंबर पर आ जाता है दोस्तों काइटिन काइटिन स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज और ये चारों होते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स अब एक एक करके इनको देख लेते हैं दोस्तों स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों जो पाया जाता है दोस्तों कैप्सूल के बाहरी आवरण में एग्जाम में ये वाला प्रश्न भी पुटअप हुआ है दोस्तों को कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है तो कैप्सूल का बाहरी आवरण बना हुआ होता है दोस्तों स्टार से मक्का आलू और राइस मक्का आलू और चावल के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा तो याद रखिएगा मक्का आलू और चावल के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों स्टार्च कार्बोहाइड्रेट दोस्तों और इसका पाचन होता है मुख के अंदर इसका पाचन होता है दोस्तों ग्लाइकोजन की अपन बात करें तो ग्लाइकोजन ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो यकृत में संचित जो खाना होता है वो संचित खाना किस रूप में रहता है तो यकृत में संचित खाना रहता है ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेलुलोज की अपन बात करें तो सेलुलोज एक प्रकार का ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका मानव के शरीर में पाचन नहीं होता मानव के शरीर में किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता तो याद रखिएगा सेलुलोज का पाचन नहीं होता दोस्तों साथ ही साथ सेलुलोज जो होता है वो पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है दोस्तों किसकी सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों याद रखिएगा और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी होता है दोस्तों कौन सा ये होता है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट दोस्तों अब आ जाते हैं अपन काइटिन के बारे में काइटिन एक प्रकार का ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो किसके अंदर पाया जाता है तो काइटीन पाया जाता है दोस्तों कवक के अंदर कवक और जो इंसेक्ट्स होते हैं इन कवक और इंसेक्ट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो रहता है दोस्तों किसके रूप में रहता है काइटीन के रूप में रहता है सेलुलोज स्टार्च और ग्लाइकोजन ये चारों होते हैं पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जबकि दोस्तों सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज ये होते हैं डाइसेकेराइड जबकि मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लेक्टोज इन जो दस कार्बोहाइड्रेट है इन्हीं के ऊपर से प्रश्न पुटअप होता है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइडर होता है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनर्जी दोस्तों किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर सर्वाधिक एनर्जी होती तो वसाया फेट के अंदर है जबकि दोस्तों प्रतिदिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है आपको वो मिलती है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपको ऊर्जा मिलती है दोस्तों इसी तरीके के और वीडियो के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों थैंक यू जय हिंद जय भारत दोस्तों